चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। और अगर आप इस फेस को पहली बार देख रहे हैं देन हाय, माय नेम इज तनु और इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्लासिक एंड एलिगेंट फैशन जो बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आज का वीडियो वन ऑफ माय सुपर फेवरेट वीडियो है बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने पिकअप किए हैं फ्रॉम द H&M सेल हॉल। सिंस H&M पे अप टू 70% ऑफ था, सो आई पिक्ड अप अ वेरी गॉर्जियस क्वाड सेट, जंप सूट, ड्रेसेस एंड अ लॉट ऑफ टॉप्स। तो अगर आप जानना चाहते हैं व्हाट्स इन स्टोर देन कीप ऑन वॉचिंग। रियली लव शॉपिंग एट H&M, प्लस ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स H&M पे बहुत ही अच्छा नाइस वाइड सिलेक्शन ऑफ कॉन्शियस प्रोडक्ट्स है विच आर वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। वो मैंने काफी सारे पिकअप किए हैं ऑन सेल, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट आइटम ऑन द हॉल। फर्स्ट पीस जो मैंने पिकअप किया है फ्रॉम H&M आर टू पीसेस जो मैं पेयर अप करने वाली हूँ टुगेदर एज अ क्वाड सेट। द फर्स्ट पीस इज द क्रॉप टॉप, जस्ट लुक एट द गॉर्जियस क्रॉप टॉप, बहुत ही अच्छा नाइस कॉटन मटेरियल का क्रॉप टॉप है जिसके ऊपर फ्लोरल प्रिंट है एंड आई जस्ट लव द नेकलाइन एज वेल। आई थिंक स्वीट हार्ट नेकलाइन के लिए एक स्पेशल मेंशन होना चाहिए बिकॉज दे लुक सुपर गॉर्जियस। और इस टॉप के साथ में आई सॉ मैचिंग पेयर ऑफ शॉर्ट्स भी अवेलेबल थे, सो आई डिसाइडेड टू एड देम टुगेदर बिकॉज आई थिंक एज अ क्वाड सेट ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट द शॉर्ट्स इज के ये बर्मुडा साइज शॉर्ट्स हैं, तो सिंस मेरे थोड़े से हेवियर थाइस हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से अकोमोडेट भी कर लेते हैं। नेक्स्ट आई पिक्ड अप इज दिस प्रिंटेड ड्रेस। नाउ इस ड्रेस आपको पिकअप करने की एक स्टोरी है बिहाइंड दिस। वॉज दैट वन डे आई वॉज इन द मॉल फॉर सम एरेंड्स एंड आई सॉ मैनिकेन वेयरिंग दिस ड्रेस और मुझे द फिट ऑफ दिस ड्रेस इतनी अच्छी लगी ऑन द मैनिकेन दैट आई डिसाइडेड दैट आई हैड टू पिक इट अप। आई जस्ट लव द फिट ऑफ दिस ड्रेस। इसके ऊपर पफी स्लीव डिटेल है विच आई थिंक इज हियर टू स्टे। और इस ड्रेस का जो हेमलाइन है दैट इज वॉट कॉट माई आई। इट हैज़ अ वेरी नाइस पफी बलूनिश काइंड ऑफ अ हेमलाइन। इनकेस आप कोई भी आइटम पिकअप करना चाहते हैं फ्रॉम दिस हॉल देन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे टैंस शॉपिंग पेज का लिंक शेयर कर दूंगी जहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे आउटफिट्स फ्रॉम दिस हॉल एंड ऑल्सो माई प्रीवियस हॉल्स एज वेल। नाउ दीज डेज मैंने एक नया ग्रूमिंग प्रोडक्ट स्टार्ट किया यूज करना फॉर माई फेस जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड आई डिसाइडेड आई मस्ट शेयर इट विद यू बिकॉज इट्स अ गेम चेंजर। क्योंकि एज इट इज सालों तो जा नहीं सकते हैं बट माई आईब्राउज माई अपर लिप्स उनको बहुत ज्यादा टेमिंग की जरूरत पड़ती है, सो आई स्टार्टेड टू यूज द फेशियल रेजर। नाउ दीज आर द फेशियल रेजर्स दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम कार्मेसी। नाउ कार्मेसी इज एन इंडियन ब्रांड जो प्रोडक्ट्स बनाता है फॉर पीरियड केयर एंड इंटीमेट केयर और ये सारे प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रीडियंट्स। नाउ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फेशियल रेजर इज कि ये जिगजैग पैटर्न में आता है, तो जब हम इसे यूज करते हैं ओवर द फेस चाहे आपके आईब्राउज एरिया को आपको टैकल करना है और अपर लिप्स और चिन और साइड बर्न्स एंड इवन पीच फज जो आ जाता है स्पेशली अराउंड द लोअर चीक्स एरिया, इट जस्ट रिमूव्स इट इंस्टेंटली। एंड इसके ऊपर जिगजैग पैटर्न्स हैं तो इसको बार बार भी नहीं स्लाइड करना पड़ता ऑन द फेस, सो इट डज नॉट कॉज एनी बर्न्स और कट्स एज वेल अनलाइक अदर फेशियल रेजर। फेशियल रेजर यूज करना बहुत ही आसान है। आफ्टर अ फेस वॉश आई इधर अप्लाई द एलोवेरा जेल या फिर माई फेवरेट मॉइस्चराइजर। आई जस्ट स्ट्रेच माई स्किन अ लिटिल बिट लाइक वी जनरली डू इट फॉर माई आईब्राउ सेशन एट द सैलॉन एंड देन फेशियल रेजर को यूज कीजिए इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन एंड इट ऑल्सो हैव द एंटी स्लिप ग्रिप। तो जब हम इसे यूज करते हैं स्पेशली अराउंड द आईब्राउज एरिया जहाँ पे हमें बहुत ही फिटनेस से काम करना होता है, इट वर्क्स वेरी वेल एंड इट जस्ट ग्लाइड्स इन वेरी इजिली और बाल और डेड स्किन सारे रिमूव हो जाते हैं इन जस्ट वन ग्लाइड। वंस वी आर थ्रू यूजिंग द फेशियल रेजर जस्ट अप्लाई योर फेवरेट मॉइस्चराइजर अगेन ताकि स्किन सॉफ्ट एंड सपल रहे। नाउ देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट यूजिंग अ फेशियल रेजर। फर्स्ट इज कि जब हम फेशियल रेजर यूज करते हैं बाल बहुत ज्यादा थिकर आते हैं, बट टू द कॉन्ट्ररी फेशियल रेजर जब भी हम अपने फेस पे यूज करते हैं इट ओनली रिमूव्स द हेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्किन नॉट फ्रॉम द रूट। और अगर बालों को थिकर बनाना है या थिनर बनाना है उसका सारा काम रूट ही करता है, डजंट चेंज द डेंसिटी ऑफ द हेयर। अभी मैंने फेशियल रेजर यूज किया है तो ये बालों को तो रिमूव करता ही है बट इट ऑल्सो रिमूव द डेड स्किन, तो स्किन काफी सॉफ्ट एंड सपल हो जाती है। सो यू माइट फील दैट यू नो ओ इट्स सो सॉफ्टर बट एज कम्पेयर टू फ्यू डेज लेटर जब बालों की ग्रोथ आ जाती है और डेड स्किन भी वापस आ जाती है, सो इट टेंड्स टू फील अ लिटिल रफ एज कम्पेयर टू द टाइम जब आपने फेशियल रेजर यूज किया है। नाउ अनदर बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फेशियल रेजर इज कि ये प्रोटेक्टिव गियर के साथ में आता है, सो इट्स वेरी हाइजीनिक टू यूज एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स कार्मेसी के फेशियल रेजर्स आर वेरी बजट फ्रेंडली एज वेल। क्योंकि इस पैक के अंदर आते हैं 3 डिफरेंट फेशियल रेजर्स एंड दिस होल पैक कॉस्ट ओनली $2.99। purple.com पे IHP सेल स्टार्ट हो रही है एंड कार्मेसी के प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल एट अ फ्लैट 35% ऑफ, प्लस विद द कूपन कोड काम 016 यू गेट एन एडिशनल 10% ऑफ।
सो इन केस आप भी अपने लिए कार्मेसी के फेशियल रेजर पिकअप करना चाहते हैं देन आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नेक्स्ट आई पिक्ड अप इज अ स्लीवलेस ड्रेस इन एन ऑफ वाइट कलर एंड आई जस्ट लव हाउ सिंपल दिस ड्रेस वॉज एंड हाउ कम्फर्टेबल इट लुक बट एट द वेरी सेम टाइम क्योंकि ऑफ वाइट कलर की है तो इट लुक्स वेरी क्लासी एज वेल. नाउ इसका फैब्रिक जो है इट हैज़ फुल पॉइंट्स फ्रॉम माई साइड बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस मिक्स बिटवीन कॉटन एंड लिनन मटीरियल. नाउ इस ड्रेस के ऊपर बहुत सारी डिटेल्स हैं विच आई रियली लव. First of all, it has a ruffle detail around the neckline. So it gives a very nice, you know, vintage Victorian vibe to it. Next I picked up is a sleeveless shirt in a white color. The best part about this shirt is that you can wear it two ways. Casually and even as formal wear as well. The only honest opinion about this shirt is that I didn't anticipate that it will be so lighter material ka hoga because you can see my fingers through the shirt. With this, I think I have to pair up a nice spaghetti top or some kind of a bandeau top. Next I picked up is a sleeveless jumpsuit and this is in a linen material and that was the sole reason ki maine is jumpsuit ko pick up kiya because this jumpsuit is so simple but iska fit itna amazing hai. It has a very relaxed fit on the trousers so it inadvertently gives a very expensive look and I always believe ki whenever we want to dress smartly and you know in a very elegant manner it's not necessary ki hum bahut hi expensive outfits pick up kare. We just need to pick up these smarter pieces. Next I picked up is a crop top jo bahut hi acche nice linen material ka top hai jiske upar tie detail hai in the front. Now the moment I saw the model wearing it on the H&M website mujhe uska fit itna acha laga plus it's so different from your regular tops kyunki ek to linen material ka crop top to nahi milta hai plus with this tie detail I really love the fit as well. Again I'm mentioning it the quality of the material and the fabric brick is amazing. The last piece on the haul is this gorgeous dress and I absolutely fell in love with it. I just love the fit, I love the fabric, I love the print, I love the neckline, I love the hemline. Just look at the neckline. It has a very nice, you know, plunging neckline, but ye bahut hi over the top plunging nahi hai. So it looks very like a smart 1950s inspired dress. And iska fabric itna acha cotton linen material ka mix hai. That it looks super expensive. और इसका जो फ्लेयर है एंड जस्ट लुक हाउ गॉर्जियस द प्रिंट इज. तो ये था मेरा H&M सेल हॉल. आई पिक्ड अप सम गॉर्जियस पीसेस सो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो विच पीस वाज योर फेवरेट. आई वुड लव टू नो दैट एंड आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया देन प्लीज टेक अ मोमेंट एंड गिव अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. दैट वुड जेन्युइनली मीन अ लॉट. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.